हम लोग एग्रीकल्चर फार्म आए हैं आज संडे का। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और हम सुबह सुबह दोस्तों के साथ जा रहे घूमने। तो बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये है धर्मेंद्र और अंशुल एक्का। तो ठीक हमारे पीछे एल्बर्ट है और अर्जुन है। तो आज है संडे तो हम लोग सोचे कि चलो कुछ करते हैं, कुछ नया दिखाते हैं आप लोगों को। तो यार है वन एग्रीकल्चर फार्म, बहुत ही खूबसूरत है और बीच में बहुत ही शांति है इस जगह पे। तो हम लोग सोचे कि चलो आज चलते हैं दिखाने के लिए आप लोगों को। तो मिलते हैं आपको एग्रीकल्चर फार्म में। तो थोड़ा सा कैंपस का मजा भी दिखाते हैं आपको। लोग डिसाइड किए कि लोग पहले चाय पियेंगे क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है। तो चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद अंदर जाएंगे। ये आईटी एरिया है जहाँ पे चाय कॉफी अच्छा से मिलता है। इसको पहले चाय पीते हैं उसके बाद जाते हैं अंदर। कचौड़ी और चाय। सुबह सुबह मजा आ रहा है। खरीदा एक और सब खा रहे हैं, मतलब भूख लगा किसको और खा रहे कोई। तुम लोग हम लोग एग्रीकल्चर फार्म आए हैं आज संडे है तो घूमने का प्लानिंग था। आज धर्मेंद्र बोलेगा, धर्मेंद्र बताओ। संडे का मजा लेने आए हम लोग। संडे का मजा मतलब? मजा मतलब देखो खेत हरियाली, बीएचयू कैंपस के अंदर हरियाली देख लो। वाह वाह वाह। और कुछ बताओ इसके बारे में। पिछले बार इधर फटक इधर आ गए थे। कहां बताना जा रहे थे? इधर फटक उधर चले गए रात को। इधर आ गए। उसको उधर से उधर आ गया। कोई कैसे उन्हें ये समझाए सजनिया के मन में अभी इनकार है। जाने भलमा घोड़े पे क्यों सवार है। जाने भलमा घोड़े पे क्यों सवार है। धीरे धीरे बनाया ही गया मिर्ची पॉन्ड। इसको बनाया ही गया पॉन्ड मछली बनाने के लिए। अरे है हाँ मछली।
खूबसूरत जगह है, बड़ा मजा आ रहा है। उधर है शहर, ठीक शहर की इधर आप आओ तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। बीएचयू तो पूरा जंगल से भरा ही हुआ है, लेकिन एक यहाँ एकदम जो शांति खूबसूरती जो देखने को मिल रहा है वो अलग ही एक मजा है। मन कर रहा है बस संडे को बस यहीं आया करेंगे। यहाँ लिखा है शास्त्रीय विज्ञान विभाग, पता नहीं इसका मतलब क्या है लेकिन है कुछ लिखा। करते होंगे कुछ एग्रीकल्चर स्टूडेंट यहाँ पे, मुझे इसका अर्थ नहीं पता। यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिच इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग एग्रीकल्चर साइंस बीएचयू। तो ये बोर्ड लगा है, लगाया हुआ है ठीक उसके उस साइड में, ग्रीनरी ही ग्रीनरी, दे हैव प्लांट्स, सो मेनी प्लांट्स। तो इस हवा को महसूस कीजिए, वाव लिटरली इट फ्रीक आउट, वेरी ब्यूटीफुल। जितने सारे फील्ड्स हैं, जितने सारे जो भी चीज उगाया जाता है मेरे ख्याल से यहाँ पे उसको रस किया जाता होगा, एंड दे आर डूइंग समथिंग। चलो देखते हैं अंदर जाके क्या है। क्या लिखा है यहाँ पे, डॉक्टर भगत सिंह। यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है मेरे ख्याल से। तुम लोग किसके घर आए हो, पता नहीं यार किसका क्वार्टर है किसका घर है, कहीं भी लेके आ गए लोग। कृषि अनुसंधान क्षेत्र यहाँ लिखा है, कृषि अनुसंधान क्षेत्र दैनिक कार्यालय। काफी खूबसूरत है, गेहूं उगाया गया है, ये गेहूं का पेड़ है। यहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म स्टडीज इन एनवायरनमेंट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर बेस्ड प्रैक्टिस इन रिच वेट कॉर्पोरिंग सिस्टम बीएचयू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी। अच्छा रहा है, मेरी हाथ में है कोई रास्ता, मेरी जान कसद काम आवे तेरी जुदाई, मेरी जान कसद काम। जमा जल्दी बना, स्टार्ट स्टार्ट। मन दिखाए, हाँ मना ली तो
तो इन्ना है बच्चा ना एग्रीकल्चर ग्राउंड सनेरा हल अत्रा हन्नी एक शुगर कैन इज आना रहा था पीस 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 दस अच्छा आज आम रही आज हम दौलत गली ना पत्ता पत्ता लग गली ना पत्ता पत्ता लग गली पत्ता पत्ता लगी थी जने का रस्ती हेड पत्ता पत्ता घनी अरे मैं बढ़िया लगती कदम हम आए हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कहाँ हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो बहुत खूबसूरत है। आज का संडे बस इसी के नाम काफ़ी दिनों से एग्जाम चल रहा था तो हम लोग क्या रे अर्जुन क्या चल रहा था काफ़ी दिनों से मिड सेम चल रहा था। अभी हम लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, हम लोग बस घूमने के लिए निकले हैं। तो पहले रिकॉर्डिंग करो। हाँ, अक्सर संडे को स्पेशल संडे को हम लोग क्या करते हैं क्योंकि अक्सर पूरा दिन ही क्लास रहता है हमेशा, तो वी कांट बियर द पेन राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि हर संडे को कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं। जैसे कि पिछले वो संडे हम लोग गए थे खिड़किया घाट, नमो घाट कहते हैं, आज यहाँ आए हैं। तो सुबह निकलते हैं, फिर 12 बजे हम लोग वापस हॉस्टल पहुँच जाते हैं। तो ये अच्छा होता है, सो इससे क्या होता है ना, माइंड रिलैक्सेशन हो जाता है। तो घूमते हैं, दिखाते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपको अभी देखने को मिलेगी यहाँ पे। बस अभी बिस्कुट है और नथिंग। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। क्या कहते हैं इसको, एक BHU का एक अलग चीज़ देखने को मिला, एक अलग डिपार्टमेंट, न्यू एक्सपीरियंस। फिर उन भैया से भी बात करके बड़ा अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। बेसिकली किसान होते हैं जनता का पेट भरने वाले, जनता का पेट भरते हैं किसान। तो दे फॉर देम देर हैव सो मेनी रिस्पेक्ट एंड वी सपोर्ट देम इवन दो वट वी सपोर्ट दे आर सेल्फ सपोर्टेड पर्सन एंड दे हैव सो दे डू सो मेनी हार्ड वर्क। तो बस आज के लिए बस इतना ही था, बहुत गुड एक्सपीरियंस था, बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था। उम्मीद करूँगा कि बाकी जो भी मेरे ब्लॉग्स देख रहे होंगे BHU में अगर स्टूडेंट आएंगे तो जरूर आना घूमने के लिए, पोल्यूशन फैलाना मत। यहाँ पे बहुत सारे कचरा देख के हमें लगा कि यार ये लोग इतने अच्छे काम कर रहे हैं यहाँ पे, दे मेंटेन सो मेनी थिंग, दे प्रिजर्व सो मेनी नेचर, बट लोग आके यहाँ पे कचड़े वचड़े फेंक दे रहे हैं, ये मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब करने का बोलने का मन नहीं करता पर अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।